यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, कंटेनर में जा घुसी कार, 5 लोग जिंदा जले। यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के सुबह एक दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। आगरा के पास खंदोली थाना क्षेत्र के झरना नाले पर मंगलवार तड़के सुबह 4:45 बजे आगरा से नोएडा की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार कंटेनर के डीजल टैंक से जा टकराई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। इसमें सवार लोगों को बाहर निकालने का मौका नहीं मिला। कार सवार 5 लोग जिंदा जल गए। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, तब तक कार सवार कंकाल बन गए। पुलिस के मुताबिक एक स्विफ्ट डिजायर कार दिल्ली जा रही थी। सुबह 4:45 बजे के करीब खंदोली थाना क्षेत्र के झरना नाले पर कार ने कंटेनर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार में आग लग गई और 5 लोग जलकर राख हो गए। पुलिस के मुताबिक कार लखनऊ के राजकुमार नाम के युवक की है। पुलिस ने बताया कि कार में आग इतनी भीषण लग गई कि फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाए। जब तक मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया, तब तक सभी लोग कंकाल बन गए। पुलिस का मानना है कि जिंदा जलकर मरने वालों में एक बच्चा, एक महिला और 3 पुरुष शामिल है। मदद के लिए चीखते रहे, देर से पहुंची पुलिस। हादसा इतना दर्दनाक था कि कार में सवार लोगों को बाहर निकालने का मौका नहीं मिला। आग के कारण लोगों को हिम्मत कार के पास जाने की ही नहीं हुई। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि पुलिस और दमकल गाड़ियां भी देर से पहुंची। लोग कार के अंदर से मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली। आगरा से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। जो आगे पे जो घटना हुई है, इस मामले में क्या हुआ है, किस मामले में क्या हुआ? देखिए, जो मॉर्निंग में जो एक्सीडेंट हुआ है, एक स्विफ्ट डिजायर और एक कैंटर के बीच में हुआ है। जो अभी तक हमें सीन ऑफ एक्सीडेंट से समझ में जो आ रहा है, वो ये आ रहा है कि संभवतः कैंटर अपना लेन चेंज कर रहा था और साइड से स्विफ्ट डिजायर काफ़ी हाई स्पीड में आ रही थी और उसके टैंकर कैंटर के जो फ्यूल टैंक है उसमें हिट किया। फ्यूल टैंक का जितना फ्यूल था वो फैला, उसमें फिर आग लगी और आग लगने की वजह से डिजायर में जितने भी व्यक्ति सवार कर रहे थे, अभी तक जो हमने आइडेंटिफाई किया कि 5 लोग थे, वहीं मौके पे ही जल गए और उनकी डेथ हो गई। 5 लोगों में कितनी मेल फीमेल? अभी तक जो आइडेंटिफाई हम कर पाए हैं, संभावित 3 फीमेल हैं और 2 मेल हैं। बाकी कुछ उसमें से हमें आईडी कार्ड्स अभी जले हुए मिले हैं, उसका पूरा तस्दीक कर रहे हैं। पूरा तस्दीक होने के बाद उनके परिवारजनों को भी सूचित किया जाएगा। गाड़ी में टक्कर हो गई जिसमें फ्यूल टैंक कंटेनर का फट गया और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में आग लग गई। पुलिस द्वारा सूचना मिली, मौके पर पुलिस आई और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए आग को बुझाया गया। लेकिन जब गाड़ी में स्विफ्ट डिजायर में जो सवार 5 व्यक्ति थे, उनकी जल करके मौत हो गई है और उनके बॉडी को भिजवा दिया गया है मॉर्चरी पे। बाकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये खंदौली थाना क्षेत्र में ये एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेसवे की घटना है। गाड़ी कहाँ से जा रही थी, कहाँ के लिए जा रही थी? ये लखनऊ से आ रही थी गाड़ी, जो UP 32 नंबर की गाड़ी है और हमने संपर्क किया है जिस गाड़ी के ओनर से। अभी जानकारी नहीं हो पाई है कि ये सवार जो थे, गाड़ी सवार, वो कहाँ के थे। जानकारी की जा रही है, परिवारों को परिवारजनों को सूचित करने का